हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रोजेक्ट परफ्यूमरी इंडिया। और आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। रिव्यूज हम करते रहते हैं, ये इसकी तरह स्मेल करता है, दिस ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस, ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट। मैं खुद बोर हो गया था उससे, तो लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो आज का जो वीडियो है दैट वुड बी अराउंड अलेक्सा, वो अलेक्सा के आजू बाजू रहेगा। हम अलेक्सा के अलग अलग वर्जन्स खुद बनाएंगे। और लास्ट दो एपिसोड हम कर चुके हैं ट्रेन योर नोज, दिस वुड बी थर्ड एपिसोड ट्रेन योर नोज सीक्वेंस का। दिस इज आवर टॉप सेलर प्रोडक्ट अलेक्सा। व्हाट इज अलेक्सा? दिस इज ऑल्टरनेटिव और इट स्मेल्स वेरी क्लोज टू न्यू बैचेस ऑफ अवेंटस। जितने भी क्रीड अवेंटस के नए बैचेस हैं उनसे काफ़ी सिमिलर स्मेल करता है। अपने आप में एक डिफरेंट परफ्यूम है, बट ऐसा बोल सकते हैं कि 85-90% सिमिलर है। क्या डिफरेंस है इसमें? ग्रीन एप्पल इज एम्ड अप। जो ओपनिंग में ग्रीन एप्पल है वो काफ़ी एम्प अप किया हुआ है रादर देन रेगुलर। अभी अवेंटस का मसला क्या है? मसला ये है कि इसके हर बैच में एक वेरिएशन आता है, हर बैच एक दूसरे बैच से अलग स्मेल करता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी। अच्छी बात, लोगों को काफ़ी एंगेज रखता है, लोग अलग अलग बैचेस ढूंढते हैं, ट्राई करते हैं, डिस्कस करते हैं। और बुरी बात ये है कि पुराने बैचेस का प्राइस ऑलमोस्ट नए बैचेस से 10 times तक भी हो सकता है। तो ये पागलपन है, एज इन दिस इज क्रेजी। जो चीज़ $450 रिटेल में मिलती है, $250 नॉर्मली मिल जाती है, उसका आप $1,000 $1,200 तक देने को तैयार है। ऐसा है क्या उसके अंदर? वो है उसका कंपोजिशन और उसकी वेरिएशन। तो ऑन एंड ऑल 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं अवेंटस में जो वैरी करते हैं अवेंटस बैचेस के साथ, हम उनकी बात करेंगे। और इसको अब अलेक्सा के बेस फॉर्मूला को उसको हम कैसे ट्वीक कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन अचीव डिफरेंट डिफरेंट बैचेस। दिस इज जस्ट अ फन एक्टिविटी, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट सॉर्ट ऑफ यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट है। काफ़ी लोगों ने हमारे किट्स लिए हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट्स अवेलेबल है, एब्सोल्यूट बर्गमॉट, एब्सोल्यूट एप्पल, एब्सोल्यूट वनीला। उन्हीं को यूज करके हम एक नया परफ्यूम या फिर एक वेरिएशन बनाएंगे अलेक्सा का। एक नहीं, आई थिंक काफ़ी वेरिएशन है। पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखा देता हूँ। काफ़ी रिसर्च कर रहा था, ये चीज़ अलेक्सा लॉन्च होने से पहले कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थी कुछ ऐसा करने की, वेयर वी कैन गिव यू मेक योर ओन वर्जन ऑफ अवेंटस। तो काफ़ी ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है, आई विल बी शोइंग यू। अभी लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी हैव इन आवर सेटअप। ओके, गोइंग टू सेटअप, दिस इज माय स्मॉल मिनिस्ट्री। काफ़ी चेंजेस हमने अभी किए हैं, आप सबको मालूम है, अभी कंप्लीट नहीं है। वंस इट्स कंप्लीट विल बी शोइंग यू मोर। ओके, दिस इज माय कुक बुक, दिस इज माय सीक्रेट बुक। अगर ये देखा जाए, दिस इज वन हैंडमेड डायरी आई परचेज फ्रॉम उदयपुर विच इज माय होम टाउन। लेट्स ओपन दिस। इसके अंदर व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन अवर बेस अलेक्सा, ये हमारा बेसिक अलेक्सा है। दीज आर अवर वेरियस इंग्रेडिएंट्स जो कि हर अवेंटस में वैरी करते हैं। अगर देखा जाए तो उसके अंदर ब्लैक करंट, ग्रीन एप्पल, पचूली, ग्रेप फ्रूट एक्सपेरिमेंटली लिया था, लेमन, विच ऑल्सो आई डोंट थिंक अभी उसकी जरूरत पड़ेगी बिकॉज वी हैव बर्गमॉट, ब्लैक पेपर भी एक्सपेरिमेंट था क्योंकि टीजियाना टेरेंजी ओरायन इज अवेंटस विद ब्लैक पेपर, तो वो भी कुछ हम कर सकते हैं। वनीला वी हैव, मस्क वी हैव, वूडी वी हैव। वूडी ये एक्चुअली दिस इज ओक मॉस, तो उसके साथ हम क्या करने वाले, विल मेक सेवरल कॉम्बिनेशन। सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन इज अवर स्मोकी, वनीला बर्गमॉट, अलेक्सा मस्क। सो काफ़ी आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोर इन द वीडियो। नेक्स्ट हमारा बैचेस का एनालिसिस। सो ये थोड़े बैचेस है जो मैंने एनालाइज किए, ये तीन बैचेस आर पचूली हैवी, 13R01, 15U11, 16J01। दीज आर स्मोकी बैचेस। हाँ, एक और इसमें सीक्रेट है, ये मैंने आपको नहीं बताया, दिस इज अवर I11। क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये आई थिंक किसी को नहीं किया अभी तक। I11 इज अवर स्मोक बॉम्ब, ये हमारा स्मोक है। एक हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया था गैलेगो बर्गमास नोवा के साथ, ये हमारा एक्चुअली दिस इज अवर, सो सॉरी ये होता रहता है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली अवर बर्च, ये काफ़ी बर्च हैवी है। तो बर्च का हमारे पास एब्सोल्यूट अवेलेबल नहीं है, बट उसके बदले हमारे पास वी हैव I11 जो है हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। स्मोकी बैचेस 13X01, 13Q01। कमिंग टू ओक मॉस हैवी, ओक मॉस जो हमारा वूडी बेस है दैट इज एक्चुअली रेप्लिकेटिंग ओक मॉस, 13ZZ01, 14M01, 13U01। बर्गमॉट हैवी 14L01, 15R11, 16C01। देन कम्स वनीला हैवी 13ZZ01, 14H01, 15P01, 14M01। तो ये पांच तो हम ट्राई करने वाले हैं फॉर श्योर।
एक हम एक दो और वेरिएशन हम ट्राई करने वाले. अभी ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से? ऑफकोर्स मैं खुद तो नहीं बैठा एनालिसिस करने. ये एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है गूगल पे. इफ़ यू अगर आप गूगल करेंगे अवेंटस बैच एनालिसिस तो आपको ये बैच मिलेगा. इसके अंदर काफ़ी काम किया है कम्युनिटी के लोगों ने. ये सब कम्युनिटी डेवलप्ड ही है. इसमें किसकी कितनी इंटेंसिटी है किस बैच के अंदर, तो काफ़ी लंबा डॉक्यूमेंट है. आई थिंक इसको मैंने ऑलमोस्ट एक वीक तक स्टडी किया टू कम अप विथ दिस एक्टिविटी. राइट गाइस, लेट गेट स्टार्टेड. उसको हम ऑनलाइन वीडियो पर ही मिक्स करेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अलेक्सा के अराउंड 28 ml के बॉटल्स रखी है यहाँ पर. तो इन 28 ml में 2 ml इसके हम ऑलरेडी इसमें हम ऑयल मिक्स नहीं कर रहे. विल बी एडिंग ईरीपीस जो हमने क्रिएट किए हैं लाइक दिस. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहला हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला. ये सारे वेरिएंट्स आई ट्राई टू मेक इट अवेलेबल फॉर यू. आप सबको इन सबके वेरिएशन टेस्ट करने को मिले. आई ट्राई दैट. सबसे पहला है बर्गमस्ट नोवा के साथ. ये फ्रेग्रेंस इज इन माई ओपिनियन आज तक की सबसे स्मोकी फ्रेग्रेंस है. दिस इज फुल ऑफ स्मोक. इससे ऊपर कुछ भी नहीं, आपने सीधा जलती हुई आपको अंदर डाल दिया. इतना स्मोकी है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज गैलेगो फ्रेग्रेंस बर्गमस नोवा जो डिसकंटिन्यूड है. ये उसकी आखिरी बॉटल मेरे पास है. इसी से हम जितना भी बना सकते हैं अलेक्सा ऑन फायर. विल बी मेकिंग अलेक्सा ऑन फायर विद दिस एंड पुट इट ऑन सेम. बस छोड़. बंद कर दे. सो अवर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पचूली. विल एम्प इट अप विद पचूली. उसके लिए हमने ये 28 ml फिर से यूज करेंगे. गाइस मैं 28 ml यूज कर रहा हूँ, बट यू कैन यूज 10 ml ऑल्सो. क्योंकि सी अवेंटस अलेक्सा के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिकॉज इट्स चीप, इट्स इकोनॉमिकल. With Aventus you cannot do it, right? Because it's very expensive. So you can do it in up 5 ml maybe कर सकते हैं, but 10 ml maybe कर सकते हैं, but precision का problem है. Precision इतना नहीं आएगा. उसी के लिए हमने already EDPs convert करे ताकि काफ़ी minutely हम precisely कर सकें. Guys, professional wear, I'm not a professional, और I think आपने से भी कोई perfumer नहीं. उसके लिए you can buy these small syringes. This is EDP concentration of patchouli absolute जो मैं 2 ml add करूँगा in my अलेक्सा. एंड दिस इज मिक्सिंग. इसमें इसने कुछ कलर ऐड नहीं किया. विल सी क्या इम्पैक्ट किया है उसने अलेक्सा के ऊपर. आई गिव यू माय फर्स्ट. इसमें मैं आपको सिर्फ फर्स्ट इम्प्रेशंस ही बता सकता हूँ, बट गुड इनफ क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्कवर करनी है उसके बाद कि उसमें से आपकी क्रिएटिविटी क्या बना सकती है. राइट, सो दिस इज अलेक्सा विद एम्ड अप पचूली. गाइस ये फर्स्ट एलिमेंट मैंने ऐड किया है. इसमें से हो सकता है कि स्लाइटली वनीला इसमें कुछ और चेंज कर लें. राइट, ओके गाइस, थोड़ा पचूली ज्यादा हो गया, बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट. और एक स्निफ में, पहले स्निफ में यू कैन से कि ये अलेक्सा है, अवेंटस है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट गाइस. दिस इज, इसको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, बट दिस इज समथिंग गुड. आई लाइक इट. वाओ, इसमें से हल्का सा स्मोकीनेस बढ़ा है, बट वो स्मोकीनेस ना बोल के आई वुड से मोर अर्थीनेस. स्लाइटली और अर्थी हो गया ये, बट फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको तभी दे पाऊंगा व्हेन आई गिव अ फुल वेयरिंग. क्योंकि अभी हम सिर्फ टॉप नोट जज कर रहे हैं और टॉप नोट में चेंज आया है इसके अंदर. हल्का सा बामी सा वाइब, हल्का सा स्मोकी बामी वाइब इज देयर, बट इट्स गुड. जिन लोगों को थोड़े से डार्क सेंट्स पसंद है, दिस इज गुड फॉर देम. मैं इनको आई विल जस्ट लेबल इट, आई विल राइट इट डाउन सो दैट we remember with 2 ml patchouli absolute. इसको we can modify it further. What next I'm going to do, इसके लिए जैसे patchouli batches are 13R01, 15U11 and 16J01. I think 16J01 मेरे को मिल सकता है. या तो मैं ये उन लोगों को भेजूंगा जिनके पास already 16J01 use कर रहे हैं, या फिर उनसे मैं sample मंगवा के I'll compare it myself. This is next thing I'm going to do. अभी हम बनाने वाले हैं smoky batch using our speciality compound I11. This is first time I'm doing and on camera. We take another 28 ml of Alexa. And guys, Alexa, I think 100 ml testers are available for 2000, which are ideal for this.
Otherwise, 30 ml are also available if you're planning to do it in 5-5 ml decant. So with 30 ml, you can make 6 variations. Let me make a combo, kuch aisa combo banta hai. So I'll add 2 ml of I-11 in my Alexa. So this is now full. We mix it. We seal it. How I seal it, guys? I'm not showing right now. Uske liye mere ek alag tutorial aane wala hai. I have to seal our decant plus bottles. Once we have enough, ek bar humne site pe sale ke liye dal diya, then we could do how we seal this bottle. So this is my first experiment. Sabse is video ka pehla experiment. Baki sab I think patchouli add karna was simple. Alexa on smoke was already tested. Let me see this one. I'm pretty excited at the same time. I'm really lazy how it will go. Okay. So guys, I-11 ने कुछ और ही बना दिया. ओपनिंग में जो अवेंटस का वाइब आता है, दैट इज शिफ्टेड अ लिटिल बिट, वो थोड़ा चेंज हो गया है. तो आई डोंट थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, बट मे बी इसको थोड़ा और टाइम देके वी कुड फिगर आउट हाउ आवर I-11 वर्क्स, और या फिर उसको हम थोड़ा और ट्विक कर सकते हैं. एज आई सी, ये अब भी मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है. पहले से काफी टाइम से आइडिया था इसका. नाउ विल डू बर्गमॉट. बर्गमॉट जो कि एक की एलिमेंट है अवेंटस का, अवेंटस का या किसी भी फ्रेश परफ्यूम का. तो लेट्स डू बर्गमॉट. वी डू नाउ इसमें 28 ml एग्जैक्टली मेजर डाला है, तो आई थिंक आई कैन ऐड 2 ml ऑफ बर्गमॉट डायरेक्टली टू इट. एडिंग 2 ml ऑफ बर्गमॉट, एग्जैक्टली 2 ml. एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, ये कुछ भी एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर तुक्के में चल रहा है. और ये जो चीज हम कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंडियन वे, इंडियन जुगाड़ ऑफ अचीविंग वेरियस बैचेस ऑफ अवेंटस विदाउट स्पेंडिंग अ बॉम्ब. अदरवाइज 30 ml decant, 6000, 6500, 10 ml decant, 2500, 4 rare exclusive batch. वो चीज आई थिंक करते होंगे लोग जिनको शौक है, बट आई डोंट थिंक मैं करूँगा, और या फिर काफ़ी आप में से भी वो नहीं करेंगे. तो उनके लिए टू एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ वेरियस बैचेस ऑफ अवेंटस, दिस इज अ वेरी गुड वे टू डू इट. तो दिस इज विद एम द बर्गमॉट. इसको मिक्स करने के बाद वी हैव टू कीप इन फ्रिज आल्सो फॉर 2-3 डेज और 2-3 नाइट्स, सो दैट द इंट्रैक्शन हैपेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल. वो लो टेम्परेचर पर ही होता है. दैट इज व्हाई यू नो काफ़ी लोग कहते हैं कि अत्तर को बनाने के बाद फ्रिज में रख दीजिए. क्यों कहते हैं? सो दैट उनका जो बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, दैट हैपेंस एट अ नेगेटिव टेम्परेचर. ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज गुड. बट हमारा जो बैच था, दैट वॉज ऑलरेडी अ फ्रेश बैच. वो काफ़ी ऑलरेडी ग्रीन एप्पल बर्गमॉट हैवी, लेमन हैवी बैच था. तो उसमें हमने और बर्गमॉट ऐड किया, ये और फ्रेश बन गया. इनिशियली मे बी इट्स गिविंग वेरी फ्रेश इसी मियाके सॉर्ट ऑफ वाइब, बट आफ्टर 2 मिनट्स यू गेट द अवेंटस वाइब. आई थिंक दिस इज समथिंग विच नीड मोर टेस्टिंग बाय एक्सपर्ट हु इज इन टू अवेंटस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम इन टू अलेक्सा फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ और लेस इन 1 ईयर. सेम इसके लिए मैं ये कर पा रहा हूँ. सेम वे काफी लोग जो अवेंटस के हर बैच को स्मेल कर चुके हैं, दे वुड बी द फाइनल जज. लेट्स डू वनीला, दिस इज माई फेवरेट. वनीला के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ. लेट्स डू ओकमॉस फर्स्ट. तो उसके लिए हम अपना वूडी बेस यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी थिक, वेरी डार्क एंड वूडी. तो उसके लिए वी वोंट बी डूइंग 2 ml, उसके लिए हम 1 ml ऐड करते हैं. और आई थिंक आई हैव गॉट अनदर आइडिया. ओके, दिस इज स्लाइट ओकमॉस. Then we do, real oak moss is banned. I'm using a woody base which is substituted and smell as good as oak moss. अभी हमने जो bergamot try किया था, वो काफी citrus heavy हो गया था उसके अंदर. तो I'll add slight more bergamot to it so that it may subside, that oak moss का जो heavy सा note आता है, वो थोड़ा सा उसमें balance हो जाएगा. तो let's try with that. Let's spray and see what we have made. So guys, this is hit and try. Honestly speaking, इसमें we could try 40-50 different variation and then see which one goes best. So this is oak moss and bergamot heavy. Wow, this is something good. ये कुछ innovative, creative हुआ इस video में. I would say this is my With patchouli, I would say this has been the best experiment. अभी तक का best variation ये आया है. This is more balanced, smoky, woody, at the same time citrusy. क्योंकि हमारा first original batch is very citrusy, very lemony, very fresh citrus.
इसके अंदर देयर इज राइट अमाउंट ऑफ वुडीनेस, देयर इज राइट अराउंड ऑफ अमाउंट ऑफ सिट्रस एज वेल. This is so far has been my, I think I will do a combined analysis. This was 1 ml of woody base, that is around 3%, yeah, 3.3%, because we are doing in 30 ml. But see, us 3.3% may be, there is 20% EDP, so that goes around 3.3 divided by 5, so around 0.7%. We are doing 0.7%. 1 ml is woody base and 1 ml is bergamot. So far, we, जो मैंने अभी तक बनाए हैं, what experiments we have done is Alexa on fire, जो कि anyways I'm putting on sale, 30 exclusive bottles on sale for our viewers after this video. Then we have done it with patchouli, which I need to test more. Then I did one with I-11 to make it smoky, which was an epic fail. वो एकदम बकवास बना, उसको मटा देते हैं. I think मैंने Alexa waste किया उसके अंदर, but that is all right. That is part of the experiment. Then we did with bergamot, which gave me more, jo already itna citrusy tha, usko aur citrusy bana diya. Then actually we added oak moss into it, jisse kafi, it drastically took a U-turn, I would say. Lovely, last variation we are doing is with vanilla. So we did oak moss, we did bergamot. Abhi next step would be, jo maine batches mentioned kiye the, hum usse compare karenge and we'll take feedback from people. That's the whole zest of the project. और गाइज ये चीज़ें हम करते रहेंगे, इसीलिए इसका नाम सिर्फ ऑल्टरनेटिव सेंस नहीं है, प्रोजेक्ट ऑल्टरनेटिव है. इसके अंदर वी कीप डूइंग थिंग्स लाइक दिस. इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी होगी, alternatives.ae, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड इन दुबई. और उसके अंदर वी वुड हैव अवर सेंस, वी वुड हैव अवर एब्सोल्यूट्स, वी वुड हैव अवर किट्स एंड वी वुड हैव अवर वीडियोज एंड ट्यूटोरियल्स विच यू गाइज कुड ऑल्सो पार्टिसिपेट. ये टू वे कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ टू वे इंटरेक्शन. ये जितने भी सैम्पल्स हम प्रिपेयर करेंगे, विल सेंड इट टू यू गाइज, अवर मेंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट परफ्यूमरी और सैम्पल एक्सचेंज. वहाँ पर ये सैम्पल्स विल गिव फ्री ऑफ कॉस्ट, टेक द फीडबैक, और दिस इज हाउ द होल साइकिल विल गो. ओके, लेट्स डू वनीला. सो वनीला भी आई डोंट थिंक हमें बहुत ज़्यादा कुछ उसमें करने की जरूरत है, वी जस्ट हैव टू ऐड लिटिल बिट ऑफ वनीला. वनीला टॉप नोट्स में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट इट वुड मोर इम्पैक्ट ऑन द मिड एंड बेस नोट्स. वनीला से ऑफकोर्स द लास्टिंग विल गो इवन बेटर. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, एडिंग वनीला टू इट विल मेक इट स्लाइटली मोर बेटर. दिस टाइम इसको अभी हम सील नहीं करते, विल जस्ट कीप इट जस्ट लाइक दिस, बिकॉज आई थिंक वनीला काफ़ी एक प्लेन सा इंग्रेडिएंट हो गया, उसमें काफ़ी चेंजेस नहीं आएंगे इसके अंदर. इट वुड बी वेरी क्लोज टू ओरिजिनल विद स्लाइट स्वीटनेस टू इट एज आई सेड. सो फॉर दैट इसके अंदर हम एक और एडिशन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मस्क. मस्क इज ऑल्सो देयर इन अवेंटस, जो बाय डिफॉल्ट हर बैच में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा. ओनली चैलेंज इज मस्क को आप डिटेक्ट, कुछ नोज डिटेक्ट कर पाती है, कुछ नोज नहीं कर पाती. सो विल ऐड लिटिल बिट ऑफ मस्क इन दिस, और मेरे हिसाब से आई थिंक आई शुड ऐड अप्रॉक्सीमेटली 1 ml ऑफ मस्क. और जो हमने उसमें वुडीनेस ऐड की थी लास्ट वाले में, आई एम अ कंप्लीट फैन ऑफ इट बाय नाउ. आई विल ऐड स्लाइट वुडी बेस टू इट गाइस, बट इसमें यू हैव टू बी, सबसे पहले वी आर सेफ बिकॉज वी हैव EDPs, वी आर प्लेइंग विद EDPs हियर, तो वी आर सेफ, वी वोंट बी ऑल्टरिंग टू मच. बट फिर भी यू हैव टू कीप योर हैंड लिटिल स्लो. कुछ भी ज़्यादा डल गया वो रिवर्स नहीं हो सकता, कम डल गया यू कैन ऐड मोर टू इट. राइट, दिस इज अवर फाइनल वेरिएशन फॉर दिस वीडियो. सो वी हैव एडेड वनीला, वी हैव एडेड स्लाइट ओक मॉस टू इट एंड स्लाइट मस्क टू इट. Wow, guys, this is like next level of Aventus. This is like more complex version of Aventus, I would say. The best part, 98%, 97% is our basic Alexa. So the scent won't go bad. Jo bhi banega, wo achha hi banega. Kyunki usme 97% to hamara Alexa. ओके गाइस, सो हमारा फाइनल वर्जन इज ऑल्सो रेडी, जो हमने फाइनल वेरिएंट बनाया था. तो ओवरऑल वी मेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 वेरिएंट्स टुडे. सबसे पहला था अलेक्सा ऑन फायर, ट्राई टेस्टेड, सुपर डुपर हिट फॉर पीपल हु लाइक स्मोकी बैचेस. आई विल बी रिलीजिंग 30 बॉटल्स एक्सक्लूसिव, जितना मेरे पास अवेलेबल है, जितना इससे हम बना पाएंगे विल मेक इट अवेलेबल आफ्टर द वीडियो. द सेकेंड वेरिएशन आई थिंक आई विल गिव दिस 10/10 ऑलरेडी, 10/10 बिकॉज इट्स टेस्टेड, उसमें काफ़ी टेस्टिंग हो चुकी है. नेक्स्ट इज विथ पचूली, ओनली पचूली, लेट्स गिव इट अ स्निफ अगेन. गाइस काफ़ी लोग कॉफ़ी यूज़ करते हैं, कॉफ़ी इज अ आइस ब्रेकर, इट
दो स्मेल के बीच में जो ये दो काफी आइडेंटिकल स्मेल्स हम अभी स्निफ कर रहे हैं तो उसके बीच में एक गैप डालने के लिए कॉफी इज नीडेड. अदरवाइज आई डोंट थिंक आई नीड कॉफी अदरवाइज, ताकि जब हम अलग अलग फ्रेग्रेंसेस स्मेल करते हैं तो वैसे ही वेरिएशन आता है. यहाँ पर वी नीड इट, इवन आई नीड इट. ओके सो गाइस, इस पचुली ऐड करने से देर इज वन एलिमेंट विच इज एडेड टू द टॉप जो कि थोड़ा सा अर्दी है. अर्दी सेंट्स आर मोर डोमिनेंट देन सिट्रस सेंट, तो आप कभी भी अर्दी और सिट्रस दो अलग अलग स्मेल करेंगे तो अर्दी वुड बी मोर डिटेक्टेबल देन सिट्रस, दैट इज माई ओपिनियन. तो दिस इज डेफिनेटली एडेड अ मोर प्रोफाइल टू द होल जूस. नेक्स्ट हमने जो ट्राई किया था विद 1% ऑफ ओक मॉस एंड 1% ऑफ बर्गमॉट, 1 ml इन 30 ml, which has been, I think, ये जो है सिर्फ पचुली ऐड करने से देर इज समथिंग मिसिंग. आई कैन फील कुछ उसमें मिसिंग है, बट इसके अंदर इट फील्स टूवर्ड्स कंप्लीशन. पूरा कंप्लीट नहीं है, बट या समहाउ वी कैन से इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके वी कैन मेक अ न्यू फ्लैंकर ऑफ अलेक्सा. ओके, नेक्स्ट जो हमने फाइनल थर्ड वन प्रिपेयर किया था, लेट्स गो टू दैट. ओके, no, this was not final, this was in only oak moss, right? I think I still like the one better. This is the final with 1% oak moss, 1% vanilla, 1% musk, no patchouli. Patchouli wala mere ko thoda aur analysis karna hai. Okay guys, so this is my result of this video. This is what I'm making samples right away and sending it to few people for feedback, with 1% oak moss, vanilla and musk. इसके एक दो वेरिएंट में पचुली के साथ और ट्राई करने वाला हूँ एंड लेट्स सी हाउ रिजल्ट गोज. अल्टीमेट जो मेरा फीडबैक सेशन है दैट यू गाइस विल डू, द माय व्यूअर्स, माय पीपल हु फॉलो मी ऑन फेसबुक, हु ऑर्डर रेगुलरली फ्रॉम perfumery.co.in प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव, दे विल बी गेटिंग सैंपल्स ऑफ दीज फॉर टेस्टिंग. अगर आपको भी ट्राई करना है एंड यू आर अ व्यूअर, कॉन्स्टेंट व्यूअर जो कि जो हम फॉलो करते हैं, दे कैन ऑल्सो कम इन डाउन बिलो, विल ट्राई एंड अकोमोडेट अ सैम्पल. बट ट्रस्ट गाइस, एक इतना सा 1 ml सैम्पल शिप करना इज ऑलवेज रिस्की, हाफ ऑफ द टाइम इट डजंट रीचेस. इसके लिए हम ऑर्डर्स के 60 सैम्पल्स भेजना प्रेफर करते हैं ताकि वो सेफली पहुंच जाए, बिकॉज सैम्पलिंग एक ऐसा टास्क है जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी प्रिसिशन चाहिए. और एक हमारे यहाँ डेडिकेटेड बंदा है जो दिन भर सैम्पल्स ही बनाता रहता है. इवन वी आई फील पिटी मेनी टाइम कि यार इसको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो इसके लिए सैम्पल्स को थोड़ा हम मोर ऑर्गेनाइज करने वाले थ्रू अवर प्रोग्राम कॉल सैम्पल एक्सचेंज, जहाँ पर जो भी परफ्यूम्स आपने यूज़ किए हैं उसके रिव्यूज लिखते हैं perfumery.co.in पे, राइट स्टार्टिंग राइट नाउ. वहाँ पर एक रिव्यू बॉक्स अवेलेबल है और जब भी सैम्पल एक्सचेंज, वेन एवर वी आर मेकिंग सैम्पल एक्सचेंज लाइव, हम आपको उतने क्रेडिट्स देंगे परफ्यूम सैम्पल एक्सचेंज पे, उतने आप सैम्पल्स क्लेम कर सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. शिपिंग वी माइट चार्ज, बट यू कैन क्लेम, आप 5 रिव्यूज लिखे, यू कैन टेक 5 सैम्पल्स और उन 5 सैम्पल्स जो आपने नए क्लेम किए, यू विल गेट अ मेल और रिमाइंडर टू राइट अ रिव्यू फॉर देम एंड अगेन विल क्रेडिट मोर, तो वो साइकिल चलता रहेगा एंड दैट वेज वी गेट. ये जो हमने एक्टिविटी की, द फाइनल द सेकेंड स्टेज इज द फीडबैक, राइट? वी जस्ट मिक्स समथिंग रैंडमली, मेड अ नोट ऑफ इट और आप लोगों को भेजे, आपका फीडबैक लिया, देन वी यूज दैट डेटा टू डिसाइड अवर फ्यूचर लॉन्चेस कि हमको ये वेरिएशन लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए. बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट जो हमारा लास्ट वेरिएशन था, लेट्स नेम इट Alexa 005, because हमने 5 ट्राई किए यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम Alexa on fire. So Alexa 005 has been most promising. Patchouli is also promising, but it needs time because the वो जो शार्प उसमें अर्दी नोट एड हुआ, दैट इज वेरी डोमिनेंट. आई वुड लाइक टू हैव इट इन माई Aventus और इन माई Alexa. तो वी विल ट्राई इट लिटिल बिट मोर. एक चीज़ जो कि बिल्कुल सही नहीं गई, i11 वॉज अ फेल, जो हमने स्मोकी बनाने की कोशिश की. आई थिंक अभी भी हमें एक ऑल्टरनेटिव की जरूरत है जो फाइनल Alexa on fire हमको बना के दे सके. बर्गमॉट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा. सो बर्गमॉट आई थिंक इन कंजक्शन, जहाँ हमें लगता है कि स्मोकीनेस थोड़ा बढ़ गया, अर्दीनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया, विल एड बर्गमॉट टू सबसाइड दैट अर्दीनेस एंड स्मोकी. Right guys, so this is Mohit from Project Perfumery India. काफ़ी वीडियोज़ के साथ अभी अब आने वाले हैं. If you want to see a video on particular topic, please do comment below.
for now. And if you want to take part in sample exchange program, go to head to perfumery.co.in, write the reviews of the products you have used, perfumes you have used, and within a week, 7-10 days, we'll live honge sample exchange se. We'll give you that credit and you can claim samples for free. Right, guys? Mohit here. See ya. Bye-bye.